नमस्कार दोस्तों, पवन एकेडमी में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है मैथमेटिकल लॉजिक, और मैथमेटिकल लॉजिक का हम अगला पार्ट कर रहे हैं। एक्सरसाइज 1.2 का 3 का हमने फर्स्ट पार्ट किया था, और ये इसका सेकंड पार्ट है। 1.3 के जो क्वेश्चंस मैंने करवाए थे, क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2, उसमें कुछ क्वेश्चन छूट गए थे आखिरी के, कुछ 3-4 क्वेश्चन छूट गए थे, तो मैंने सोचा चलो वहीं से शुरू करते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही में बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों, अब मैं पवन वाई एकेडमी के साथ साथ अन एकेडमी पर भी पढ़ा रहा हूँ, तो अगर आप चाहते हैं कि वहाँ पर मेरे कोर्सेज ज्वाइन करें तो उसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना होगा, प्लस पर आना होगा। मेरे स्पेशल क्लास सभी के लिए फ्री है, और मैं जिस कैटेगरी में पढ़ा रहा हूँ वो है फाउंडेशन और NTSC। अगर आपके छोटे भाई बहन जो 8th, 9th, 10th में, डेफिनेटली उनको सजेस्ट कीजिए, जो भी आपके फ्रेंड्स उनको सजेस्ट कीजिए, वहाँ पर मैं पर्सनली ध्यान देकर पढ़ाऊंगा। ठीक है, हालांकि अगर आप सिर्फ मैथ्स पढ़ना चाहते हैं तो हमारा चैनल एग्राफ है, लेकिन अगर आप चाहते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, साथ ही में इंग्लिश ग्रामर, साथ ही में SST, सारी तैयारी हो जाए, और अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं, आप JEE की तैयारी कर रहे हैं, आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो अनअकैडमी इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ देखिए, इसके हमको ड्यूल्स सीखना था। ड्यूल्स में क्या होता है कि हम जो साइन होती है, हमको निगेशन से कुछ लेना देना होता नहीं है ना, हम क्या करते हैं, ये जो सिम्बॉल होते हैं हमारे एंड और, ये कन्वर्ट हो जाते हैं। तो कैसे होंगे कन्वर्ट, इसका निगेशन क्या आएगा, इसका जो होगा इधर पी एंड का और का एंड हो जाएगा, ठीक है, और का एंड हो जाएगा, पी और का एंड हो जाएगा निगेशन, क्यू एंड का और हो जाएगा निगेशन, एस बस जी हो गया खत्म, ये इतना ही था। ठीक है, छूट गया था मुझसे, कॉन्ट्राडिक्शन है तो क्या हो जाएगा, टोटोलॉजी हो जाएगा, ये और हो जाएगा, और का एंड हो जाएगा, सॉरी ये पी का पी एंड का अगेन और हो जाएगा, क्यू एंड आर ब्रैकेट क्लोज, अगेन यहाँ पर निगेशन ऑफ पी है तो निगेशन ऑफ पी रहेगा, और का एंड हो जाएगा क्यू और आर, और एंड का और हो जाएगा, और ये हो जाएगा टोटोलॉजी का कॉन्ट्रडिक्शन। और आखिरी वाला क्या है, पी एंड पी और क्यू है तो ये पी एंड क्यू हो जाएगा, और ये और जो है एंड हो जाएगा, कॉन्ट्रडिक्शन का टोटोलॉजी हो जाएगा। ठीक है, ऐसे इसको करना, ये छूट गया था मुझसे, क्वेश्चन नंबर 2 का था ये पार्ट जो कि मुझसे छूट गया था, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे क्या देख रखा है, आगे देख रखा, राइट द निगेशन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड स्टेटमेंट से। यहाँ पर कंपाउंड स्टेटमेंट ये मतलब दो सेंटेंस जोड़ के, दो स्टेटमेंट जोड़ के जो बनता है वो कंपाउंड स्टेटमेंट होता है। तो ये कंपाउंड स्टेटमेंट को हमको क्या करना है, हमको इसका निगेशन लिखना है। तो इसका तरीका समझ लो बेटा, जब भी निगेशन करना हो तो सबसे पहले आपको यहाँ पर लेट करके पी और क्यू जो स्टेटमेंट होंगे 1, 2, 3 जितने पी क्यू आर, उसको सपोज करना होगा। फिर उसके बाद में उसको सिम्बॉलिकली आपको लिखना होगा, सिम्बॉलिकली उसको लिखना होगा, सिम्बॉलिकली क्या होगा उसका मतलब, इसको सिम्बॉल लिखना होगा, क्या सिम्बॉल में क्या आएगा, फिर सिम्बॉल में लिख के फिर उसका निगेशन करना पड़ेगा। ठीक है, उसको निगेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और फिर आखिरी में आपको निगेशन भी करना है इस कंपाउंड स्टेटमेंट का, है ना, इस कंपाउंड स्टेटमेंट का भी आपको निगेशन करना है। मतलब देखा जाए तो 4-4 काम करने हैं। तो सबसे पहला काम, यहाँ अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पर क्या है, दो स्टेटमेंट्स है, ये पहला वाला है और ये दूसरा वाला है, ये काय से जुड़े, दोनों और से जुड़े हैं। ठीक है, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, लेट पहला वाला ले लो, पी किसके इक्वल है, एक्स प्लस 8 ग्रेटर देन 11, क्यू किसके इक्वल है, क्यू को ले लो, वाई माइनस 3 इक्वल टू 6। अब क्या करेंगे, सिम्बोलिकली क्या लिखेंगे हम उसको, ये पूरा पी, ये पूरा पी आ जाएगा, तो ये पी का पी ये लिखो सिम्बोलिकली, ये पी का पी, यहाँ और है तो और ये क्यू का क्यू, ये इसका सिम्बोलिकली हो गया, लेकिन मुझे इसका निगेशन करना है, तो निगेशन ऑफ दिस क्या होगा, इसका निगेशन क्या होगा, इसका निगेशन कैसे होगा, निगेशन ऑफ पी और क्यू, हमने कैसे कहा निगेशन ऑफ पी और क्यू क्या होता है, निगेशन अंदर गया तो निगेशन पी एंड और का हो जाएगा एंड निगेशन क्यू, ये हो गया। अब इसको हमको निगेशन करना, ये जो दिया ना इसको लिखना, ये निगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट क्या होगा, आप इसको लिखेंगे, ये लिखिए निगेशन ऑफ गिवन स्टेटमेंट, बोलिए गिवन कंपाउंड स्टेटमेंट, एंड दैट इज क्या होगा, ये देख रखा है पहला वाला, इसको लिखो एक्स प्लस 8 ग्रेटर देन है तो लेस देन इक्वल टू 11 कर दो, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक्स प्लस 8 ग्रेटर देन 11 है तो इसको ऐसे काट दो। ठीक है, ये दोनों को और का क्या हो जाएगा, अब ये निगेशन ऑफ दिस देख रखा है तो निगेशन ये आ गया, और का क्या हो गया, और का एंड हो जाएगा, तो यहाँ आपको एंड लिख लेना है,
ठीक है, बीच में दोनों जगह एंड लिख देना। अब ये y माइनस थ्री इज इक्वल टू सिक्स है, तो ये हो जाएगा y माइनस थ्री इज नॉट इक्वल टू सिक्स, y माइनस थ्री इज नॉट इक्वल टू सिक्स। ऐसे इसको करेंगे, है ना, हर क्वेश्चन को ऐसे करना है। ऐसे नहीं कि डायरेक्ट इसको ये लिख दिया हो गया सर, ऐसा नहीं है भैया, ये पूरा लिखना पड़ेगा, ठीक है, इसका निगेशन बताना पड़ेगा ये क्या है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर करते हैं अगला क्वेश्चन। आइए दोस्तों अगला वाला करते हैं, इसमें क्या देख रखा है, दैट इज सेकंड है, वो बोलता है 11 लेस देन 15 एंड 25 ग्रेटर देन 20। अगेन हमको क्या करना पड़ेगा, लेट करके हमको यहां पर जो दो स्टेटमेंट देके रखे हमारे, है ना, कंपाउंड स्टेटमेंट जो है दो स्टेटमेंट से जो मिलकर बनाई है, एक ले लेंगे पी और इसको क्यू ले लेंगे, इसको पी ले लेंगे, इसको क्यू ले लेंगे, एंड लगा देंगे, ठीक है। तो यहां लिखिए पी जो होगा वो क्या होगा 11 लेस देन 15 और क्यू जो होगा वो क्या होगा 25 ग्रेटर देन 20। ओके, इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या आएगा हमारे पास, हमको इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना होगा, सिंबॉलिकली बोलिए, सिंबॉलिक फॉर्म बोलिए, ठीक है। इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या आएगा, इसका सिंबॉलिक फॉर्म पी एंड क्यू आएगा, तो पी एंड क्यू हो गया, और अगर ये पी एंड क्यू हो गया तो उसका निगेशन क्या आएगा, इसका निगेशन आएगा निगेशन ऑफ पी एंड क्यू, निगेशन ऑफ पी और निगेशन ऑफ क्यू, ये हो गया। अब इसके अंदर एक बात समझ लो कि हमको उसको जो कंपाउंड स्टेटमेंट दिया उसका लिखना है, तो ये कैसा होगा, तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 11 ग्रेटर देन इक्वल टू 15 और 25 लेस देन इक्वल देन 20, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं कि 11 ऐसा कर दो और 25 नॉट ग्रेटर टू 20 ऐसा, ठीक है, इस तरह से इसको कर सकते हैं। सेकंड भी हो गया, स्क्रीनशॉट ले लो, बढ़ते हैं आगे। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा आवाजें हो रही है उसके लिए माफी चाहूंगा। अगला क्वेश्चन क्या देखे रखा है, क्वाड्रिलेटरल इज अ स्क्वायर इफ एंड ओनली इफ इट इज अ रोम्बस, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल स्क्वायर है इफ एंड ओनली इफ इट इज अ रोम्बस। अब यार देखो यहां पर साइन क्या लगी है, क्या स्टेटमेंट दिया, किससे कनेक्ट किया है, कनेक्टिव क्या है, इफ एंड ओनली इफ। तो अब सपोज करते समय हम क्या करेंगे, इस पूरे को पी सपोज कर लेंगे, इस पूरे को क्यू सपोज कर लेंगे, है ना। तो यहां पर लिखिए लेट पी ले लीजिए कि क्वाड्रिलेटरल जो है, क्वाड्रिलेटरल इज अ स्क्वायर, और क्यू ले लीजिए कि क्यू ले लीजिए इट इज अ रोम्बस। अब इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या आएगा भाई, इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या आएगा, सिंबॉलिक फॉर्म आ जाएगा इसका दैट इज P इफ एंड ओनली इफ आ गया तो P डबल इंप्लीकेशन Q, ठीक है, ये इस तरह से हो गया। अब हमको इसका निगेशन निकालना है, तो निगेशन, इट्स निगेशन क्या होगा, इसका निगेशन निकालना है, तो निगेशन ऑफ P डबल इंप्लीकेशन Q कैसे करेंगे, आपको याद है हमने स्टार्टिंग में किया था कि P डबल इंप्लीकेशन Q को हम क्या बोलते हैं, तो हम उसको बोलते हैं P implies Q and Q implies P, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है, मैंने दो के रूल लिख के रखे, ये दोनों हमेशा याद रखो, क्योंकि जब भी आप निगेशन करने जाओगे ना आपको इनकी जरूरत पड़ेगी, इनके बिना होगा नहीं, और ये ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछने वाले, ऐसा बहुत सिंपल सा कोई देने वाला नहीं है आपको इसमें, ठीक है। तो इट्स निगेशन तो हमने लिख लिया, अब इसका निगेशन कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले आप एक काम कीजिए, जो कंपाउंड स्टेटमेंट का निगेशन है, लिखिए निगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट, निगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट क्या होगा, ये हो जाएगा निगेशन ऑफ पी डबल इंप्लीकेशन क्यू, ठीक है। अब पहले मैं इसको कन्वर्ट करता हूं, तो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है, क्या होगा निगेशन ऑफ दैट इज पी इंप्लाइज क्यू एंड क्यू इंप्लाइज पी, ठीक है। अब क्या होगा ये फिर से इसको बदल दो, इसको बदल दो इसमें, ठीक है, क्या होगा ये निगेशन ऑफ, एक मिनट रुकिए, निगेशन ऑफ That is हो जाएगा negation P और Q, ठीक है, एंड negation Q और P, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हम इस negation का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, अंदर negation भेज दो, तो negation ब्रैकेट में negation P और Q, negation अंदर गया तो ये क्या हो जाएगा, ये एंड का और हो जाएगा, ठीक है, एंड negation negation Q और P दे के रखा है। अब इसका फिर से हम अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, अंदर भेज देते हैं इसको, तो P निगेशन निगेशन कैंसिल हो जाएगा, एंड का हो जाएगा
और का हो जाएगा एंड और ये निगेशन क्यू हो जाएगा, ठीक है। ये जो और है इसका क्या हो जाएगा, ये तो और ऑलरेडी है तो ये बदलेगा नहीं, निगेशन निगेशन क्यू हो जाएगा, और का हो जाएगा एंड और ये हो जाएगा निगेशन पी, ठीक है। अब हमको इसका निगेशन लिखना है, तो इसका निगेशन क्या होगा इसको देख के लिखना है, इसको देख के इसको बनाना है। तो क्या बोलोगे, पी, पी क्या बोलता है, क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल इज स्क्वायर एंड इट इज नॉट रोम्बस। ठीक है, यहां पर मैं यहां लिख देता हूं इसको, मैं इसको यहां लिख देता हूं, ठीक है, सही रहेगा आपके लिए। ये नीचे जाएंगे ना तो फिर लिखते नहीं आएगा आपको। क्या लिखेंगे, पी, पी देखिए रखा, पहले पी लिखिए, क्वाड्रिलेटरल इज स्क्वायर, मैं आंसर करके लिख रहा हूं यहां, क्वाड्रिलेटरल इज स्क्वायर, फिर देखे रखा है एंड इट इज नॉट अ रोम्बस, इट इज नॉट अ रोम्बस, बीच में और है, और इट इज अ रोम्बस एंड इट इज अ रोम्बस एंड इट इज नॉट अ क्वाड्रिलेटरल, और क्वाड्रिलेटरल इज नॉट अ स्क्वायर, एंड क्वाड्रिलेटरल इज नॉट अ स्क्वायर, ऐसा है भैया, बड़ा सिंपल है, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए दोस्तों अगला करते हैं, अगला क्या देख रखा है, इट इज कोल्ड एंड रेनिंग, ओके, ये है हमारा फोर्थ वाला, क्या देख रखा है, इट इज कोल्ड एंड रेनिंग। फिर से क्या करेंगे हम इसको, इसको पहले सपोज कर लेंगे, देखिए यहां पर लेट पी क्या होगा, इट इज कोल्ड, क्यू क्या हो जाएगा, इट इज रेनिंग। अब इसको सिंबल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, यहां अगर देखा जाए थोड़ा सा ध्यान से देखें तो ये पी है, ये क्यू है, बीच में एंड लगा है, ठीक है, तो सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगा, सिंबॉलिक फॉर्म हो जाएगा दैट विल बी पी एंड क्यू, तो पी एंड क्यू, ठीक है, ये हो गया सिंबॉलिक फॉर्म। तो इसका निगेशन लिखेंगे, निगेशन ऑफ सिंबॉलिक फॉर्म, तो निगेशन ऑफ पी एंड क्यू क्या होगा, वो होगा निगेशन ऑफ पी और निगेशन ऑफ क्यू, ठीक है। अब इसको स्टेटमेंट में लिख लो, तो इसका स्टेटमेंट क्या होगा, इसका स्टेटमेंट होगा दैट इज निगेशन पी, इट इज नॉट रेनिंग और सॉरी इट इज नॉट कोल्ड और इट इज नॉट रेनिंग, ठीक है। देखो यहां पर कंपाउंड स्टेटमेंट का निगेशन, इट इज नॉट कोल्ड, पहला वाला तो इट इज कोल्ड है, तो इट इज नॉट कोल्ड और एंड का हो जाएगा और इट इज नॉट रेनिंग, हो गया फोर्थ वाला, ठीक है। अगला वाला क्या है, फोर्थ के बाद अगले वाले पे हम आते हैं, इट इज, ये बोलता है इफ इट इज रेनिंग देन वी विल गो एंड प्ले फुटबॉल, बहुत बढ़िया, एक दो तीन सेंटेंस है इसमें, तीन स्टेटमेंट है, ठीक है। क्या बोलता है ये बोलता है इफ इट इज रेनिंग, ओके, इफ इट इज रेनिंग देन वी विल गो एंड प्ले फुटबॉल, देन वी विल गो एंड प्ले फुटबॉल, ठीक है, प्ले फुटबॉल, ओके जी। तो उसको मैंने क्या कहा आपको कि जब ये ऐसा आता है तो यहां पर मैंने कहा तीन सेंटेंस है, इट इज रेनिंग, ओके, और ये बोलता है वी विल गो एंड प्ले फुटबॉल, तो तीन सेंटेंस बता, तीन स्टेटमेंट, सॉरी तीन स्टेटमेंट्स है, तो तीनों स्टेटमेंट्स को लिख लो यहां पर, यहां लिखो लेट, लिखिए लेट पी जो होगा वो होगा इट इज रेनिंग, ठीक है, क्यू जो होगा वी विल गो, क्यू जो होगा वो होगा वी विल गो, और आर जो होगा वो क्या होगा
वी विल प्ले फुटबॉल, वी विल प्ले फुटबॉल, ठीक है। अब ये तीन स्टेटमेंट्स है और यहां हमको कनेक्टिव क्या देके रखा है, कनेक्टिव क्या देके रखा है, इफ एंड देन देके रखा है, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, इफ देन देके रखा है तो हमको इफ देन है और यहां पर देखो आगे के दोनों के बीच में एंड है, तो सिंबॉलिकली क्या होगा, इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगा, इसका सिंबॉलिक फॉर्म वो होगा दैट इज पी देन, ओके। पी इंप्लाइज क्यू, यहां पर देखिए इनके बीच में एंड दिया है ना, यहां एंड दिया है तो ये होगा क्यू एंड आर, क्यू एंड आर। अच्छा आपको मैंने देखिए यहां पर लिख के रखा था कि इसको हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि निगेशन अगर लाना है हमको तो उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा ना, P implies Q को पहले हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो इसका निगेशन अगर मैं लेता हूं, निगेशन लिख लीजिए यहां, निगेशन ऑफ सिंबॉलिक फॉर्म वो क्या होगा, निगेशन ऑफ मैं ब्रैकेट में लिखता हूं P implies Q and R, तो हमारा P implies Q को हम क्या लिखते हैं, निगेशन ऑफ P और Q, तो ये पूरा Q का काम करेगा यहां, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये निगेशन तो बाहर ऐसे कैसे रखो, अंदर हो जाएगा निगेशन ऑफ पी है ना, निगेशन ऑफ पी और करके ये अंदर वाला पूरा ऐसा कैसा लिख दो, क्यू एंड आर, ठीक है। अब क्या करेंगे यहां पर, यहां हो जाएगा निगेशन अंदर जाएगा तो निगेशन निगेशन, ये पी हो जाएगा प्लस का और जो है वो एंड हो जाएगा और यहां आ जाएगा ये हो जाएगा इस तरह से क्यू एंड आर, इसके आगे भी निगेशन लग जाएगा, ठीक है। अब इसके अंदर अगर निगेशन लगा तो क्या होगा, वो हो जाएगा दैट इज पी निगेशन अंदर आ जाएगा निगेशन क्यू और एंड का हो जाएगा आ और निगेशन आर। अब आपको इसका स्टेटमेंट लिखना है तो क्या होगा, इट इज रेनिंग यहां एंड वी विल नॉट गो और वी विल नॉट प्ले फुटबॉल, ठीक है। ऐसा लिखिए यहां पर, इसका स्टेटमेंट लिख देता हूं, इट इज रेनिंग निगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट, कंपाउंड स्टेटमेंट क्या होगा, इट इज रेनिंग एंड वी विल नॉट गो, वी विल नॉट गो और वी विल नॉट प्ले फुटबॉल, ठीक है। देखिए बहुत कमाल क्वेश्चन है, यह है ऐसे ही क्वेश्चन इस पे पूछे जाएंगे, ठीक है, तो आपकी तैयारी रखिए ऐसी। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर हम बढ़ते हैं आगे। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं, क्या देके रखा है, रूट टू इज अ रैशनल नंबर। अब ये एक ही सेंटेंस है, अब ये एक ही सेंटेंस है, इसका निगेशन क्या बनाएंगे, तो रूट टू इज नॉट अ रैशनल नंबर, लेकिन लिखते समय यहां लिख लीजिए लेट पी जो है वो है रूट टू इज अ रैशनल नंबर, ठीक है। रूट टू क्या है, रैशनल नंबर है। हमें यहां जो भी दिए होते हैं ना, अभी जो हम कर रहे हैं, हमें यहां जो भी दिए सारे स्टेटमेंट है, तो यहां ऐसा कुछ नहीं, स्टेटमेंट है क्या बताओ, ठीक है। तो ये जो है ये रैशनल नंबर हमने ये सपोज कर लिया, अब इसका सिंबॉलिक सिंबॉलिक फॉर्म कैसा होगा, सिंबॉलिक फॉर्म ऐसा होगा भैया कि ये पी है, ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ पी है, ठीक है, इसमें और कुछ नहीं है। तो निगेशन क्या होगा, इसका निगेशन हो जाएगा निगेशन पी, और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। और इसको कैसे लिखेंगे आप, इसका आप निगेशन कैसे लिखेंगे, ये रूट टू इज अ रैशनल नंबर है तो निगेशन हो जाएगा रूट टू इज नॉट अ रैशनल नंबर, रूट टू इज नॉट अ रैशनल नंबर, बहुत सिंपल सा है, ठीक है। अगला वाला क्या बोलता है, अगला वाला बोलता है ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, ठीक है। चलिए आप इसको लिख लीजिए फिर मैं अगला कराता हूं। आइए दोस्तों इसमें अगला करते हैं, अगला क्या देखे रखा है, ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर, बहुत बढ़िया, कुछ नहीं है बेटा, ये होता है ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, होल नंबर्स होते हैं। तो इसका निगेशन क्या आएगा, आप चाहे तो उसको लिख सकते हैं सेंटेंस में, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं इसको, ऐसा कैसा आप यहां पर लिख लीजिए, ठीक है। फिर यहां पर लिखिए सिंबॉलिक फॉर्म, सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगा इसका, सिंबॉलिक फॉर्म तो ये हो जाएगा भैया ओनली पी, ठीक है। और इसका निगेशन क्या आ जाएगा, इसका निगेशन आ जाएगा दैट इज निगेशन पी, तो
तो क्या लिखेंगे इसको? इसको लिखेंगे ऑल नेचुरल नंबर्स आर नॉट होल नंबर्स, ठीक है, ऑल नेचुरल नंबर्स आर नॉट होल नंबर्स, जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं वो होल नंबर्स नहीं होते, निगेशन है, हालांकि होते हैं आप जानते हैं सारे नेचुरल नंबर होते हैं होल नंबर होते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ निगेशन बनाना है इसके लिए ऐसा है, ठीक है। आगे क्या बोलता है, अगला क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है फॉर ऑल, ओके, फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन, ओके, चलो लिख देते हैं, इसको इरेज ही करना पड़ेगा ना, झुक के लिखने की बजाय डायरेक्ट यही लिखे, ठीक है, सिंपल सिंपल सा है पर सारे करना है। क्या बोलता है, ये बोलता है फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन एंड दैट इज एन स्क्वायर प्लस एन प्लस टू इज डिविजिबल बाय फोर, ठीक है। अब इसका निगेशन करना है ना, तो इसका उल्टा क्या होगा, यूनिवर्सल का क्या होगा, हम क्या करेंगे, एग्जिस्टेंशियल को क्वांटिफाई कर देंगे, तो इस तरह से कर दो एंड दैट एन बिलोंग्स टू एन, देयर एग्जिस्ट एन बिलोंग्स टू एन वेयर एन स्क्वायर प्लस एन प्लस टू इज नॉट डिविजिबल बाय फोर, ये इसका क्या हो गया जी, ये निगेशन हो गया, ठीक है। आइए दोस्तों इसमें अगला करते हैं, अगला क्या देखे रखा है, ये बोलता है दैट इज देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू एन, उसका उल्टा कर देंगे, जैसे आपको इसने इसको आपने इसको ऐसा किया है ना, तो इसको ऐसा कर देंगे, तो यहाँ पर ये देयर एग्जिस्ट आ रहा है, उसको कन्वर्ट कर देना, देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू एन सच दैट, ये जेरोक्स निकाल के रखनी पड़ी बुक की, उसके सिवा सॉल्व नहीं होगा, सच दैट एक्स माइनस 17 लेस देन 30, ठीक, लेस देन 30 नहीं भैया 20 है, लेस देन 20 है, क्या हो गई, ये देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट कर देंगे, इसको हमने किया था तो इसको ये कर देंगे, तो ये फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एन सच दैट एक्स माइनस 17 ग्रेटर देन इक्वल देन 20, ठीक है, ऐसे लिखो या फिर आपने ऐसा लिखा x माइनस 17 लेस देन 20 नॉट लेस देन 20, ठीक है, वो आपके ऊपर आप कैसे लिखते हो, ठीक है, दोनों चलेगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारा थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट होता है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम अगला क्वेश्चन करते हैं। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, क्या देख रखा है, एक्सक्यूज मी, राइट कन्वर्स इनवर्स एंड कॉन्ट्रा पोजिशन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देखिए मैंने यहाँ पर ये इम्प्लीकेशन के लिए लिख के रखा है कि कन्वर्स क्या होता है इसका, तो क्यू इम्प्लाइज पी हो जाएगा, ये कन्वर्स है, ठीक है, कन्वर्स इनवर्स एंड कॉन्ट्रा पोजिशन आपको पता होगा, इसके बेसिक में हमको देख के रखा है मैंने, जो अपना पिछला वीडियो दिया था उसके अंदर मैंने बेसिक में बताया था कि कन्वर्स इनवर्स कॉन्ट्रा पोजिशन क्या होता है। तो कन्वर्स क्या होगा, कन्वर्स होगा ये फ्लिप हो जाएगा, इनवर्स क्या होगा दोनों का निगेशन आ जाएगा, और कॉन्ट्रा पोजिशन में आगे नहीं फ्लिप हो जाएगा, ठीक है, इतना ध्यान रखना, बाकी कुछ नहीं है, स्टेटमेंट आपको इसी तरह से एक देर में दिए होंगे, सारे के सारे एक देर में ही होंगे, ठीक है। क्या देख रखा है, पहला वाला, पहला क्या बोलता है क्वेश्चन फोर में, क्वेश्चन फोर में फर्स्ट वाला बोलता है इफ एक्स लेस देन वाई देन एक्स स्क्वायर लेस देन वाई स्क्वायर, ठीक है, वेयर एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, ठीक है। चलिए अब इसको हमको पहले p और q में सपोज करना है, तो हम इसको p सपोज कर लेंगे, इसको q सपोज कर लेंगे, ठीक है, देखो यहां पर लेट लेट आपका p, पहला सेंटेंस पहला स्टेटमेंट ले लो दैट इज x लेस देन y, और दूसरा स्टेटमेंट ले लो x स्क्वायर ग्रेटर देन y स्क्वायर वेयर एक्स वाई बिलोंग्स टू r, ठीक है। अब यहां पर क्या होगा, यहां पर आपको पहले क्या लिखना है, इसको जो है इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, इसका सिंबॉलिक जो होगा सिंबॉलिक फॉर्म ये हो जाएगा p implies q, क्योंकि देखो यहां पर if है और यहां पर then है, ठीक है। अब इसका कन्वर्स क्या होगा, कन्वर्स क्या होगा इसका, कन्वर्स हम इसको फ्लिप कर देंगे, तो q belongs to p, क्या होगा फ्लिप में, ये हो जाएगा, ये मैं यहां लिख देता हूं, दैट इज इफ x स्क्वायर लेस देन y स्क्वायर where xy belongs to R, then
एक्स इज लेस देन वन, ये पहला वाला हो गया, ठीक है, कन्वर्स हो गया आपका। अब हम क्या करेंगे, इनवर्स करेंगे। इनवर्स क्या होगा बेटा इसका, इसका इनवर्स होगा दैट इज निगेशन ऑफ पी इम्प्लाइज निगेशन ऑफ क्यू, ठीक है। अब निगेशन ऑफ पी मतलब क्या हो गया, ये है पी, इसका निगेशन क्या होगा, तो होगा एक्स ग्रेटर देन इक्वल देन वाई, इम्प्लाइज, तो यहां इफ लिख दो, यहां देन लिख दो, निगेशन ऑफ क्यू, ये देखेगा एक्स स्क्वायर लेस देन वाई स्क्वायर, तो जाएगा एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल देन वाई स्क्वायर वेयर एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, ठीक है। ये आपका इसका इनवर्स हो गया। कॉन्ट्रा पोजिशन क्या होगा, इसको फिर से फ्लिप कर देंगे हम, यहां लिखिए कॉन्ट्रा पोजिशन, कॉन्ट्रा पोजिशन क्या बोलता है ये, इसको फ्लिप करना है तो हम लिखेंगे निगेशन ऑफ क्यू इंप्लाइज निगेशन ऑफ पी, तो ये क्या हो जाएगा, इसको यहां लिख दो, इफ एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू वाई स्क्वायर देन एक्स जो है देन एक्स ग्रेटर देन इक्वल देन वाई, ठीक है, ऐसे करना है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगला करते हैं। आइए दोस्तों अगला करते हैं, क्या देख रखा है, फैमिली बिकम्स लिटरेट इफ द वुमेन इन इट इज लिटरेट। तो सबसे पहले यहां लिखिए पी, लेट पी सपोज कर लीजिए, यहां लिखिए द वुमेन, पहले वुमेन लिखना पड़ेगा ना, इफ द वुमेन इज लिटरेट, भाई औरतें पढ़ेगी तभी तो सुशिक्षित होगी, तो पहले हमको ये पी लेना पड़ेगा, ये वाला पी बनेगा और फिर ये वाला क्यू आएगा, ये बाद में आएगा, है ना, यहाँ उल्टा दिया है, इफ से समझ लेना, इफ बाद में लिखा है, इफ पहले होता तो फिर हम इसी को पी ले लेते, लेकिन इफ बाद में लिखा तो इससे आपको अंदाजा लगा लेना है ना, मतलब भरी हमारी इंग्लिश कैसी भी हो पर उसमें हमारी लॉजिक ढूंढना है, ठीक है, हमारा काम लॉजिक ढूंढने का और कुछ नहीं है। ओके, द वुमेन इन अ फैमिली इज लिटरेट क्यू का बनेगा, फैमिली बिकम्स लिटरेट, ओके, फैमिली बिकम्स लिटरेट, ऐसे लिखो तो भी चलेगा, फैमिली बिकम्स लिटरेट। अब आपको उसको सिंबॉलिक फॉर्म क्या लिखोगे यार, सिंबॉलिक क्या लिखोगे, सिंबॉलिक तो लिख लोगे कि पी इंप्लाइज क्यू, अब बाकी का क्या है, आपको कन्वर्स क्या लिखोगे इसका, कन्वर्स क्या होगा, कन्वर्स ऑफ P implies Q, तो converse of P implies Q क्या है, that is Q implies P है, तो क्या होगा, ये ऐसा हो जाएगा ना, अब लिखते समय इसको Q implies P लिखना है, if the family becomes literate, the woman in the family is literate, ठीक है, फिर उसको आप inverse लिखोगे, इसका आप inverse लिखोगे, तो inverse क्या आएगा, inverse आएगा negation of P implies negation of Q, है ना, implies negation of Q, तो negation of P, the woman in the family is not literate, if the woman in the family is not literate, then the family does not become literate, ठीक है, समझ लेना। उसके बाद में contraposition क्या आएगा, contraposition ये क्या बोलता है, negation of P, if negation of Q then negation of P, तो क्या होगा, ये होगा If the family does not become literate, then the woman in the family is not literate. Okay, ऐसा negative बना लेना है, उसका negation बना लेना, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्या लेके रखा है, next वाला है भैया, that is the surface area decreases then pressure increases. बहुत अच्छे, क्या लेके रखा अगला वाला, if the surface area decreases, then pressure increases. देखो भाई ध्यान दो, यहां पर ध्यान दो, if the surface area decreases, pressure increases, तो आप इसको P ले लेना, इसको Q ले लेना, अब बाकी का आप ऐसे लिख लेना पूरा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आराम से इसको कर सकते हो, ठीक है। और अगला वाला क्या है भाई, अगला क्या बोल रहा है, अगला वाला बोल रहा है तो वोल्टेज इंक्रीजेस देन द करंट डिक्रीजेस, ये भी इफ देन में लिखा है ना,
इफ वोल्टेज इंक्रीजेज, आंखें खराब हो गई है यार, बार बार ये स्क्रीन मोबाइल देख देख के आंखें खराब हो गई, चश्मा लग गया। अब जानते हैं पहले चश्मा नहीं था, है ना, चश्मा लग गया, बार बार बिना उसके दिखता नहीं, प्रॉब्लम हो गया। इंक्रीजेस देन करंट डिक्रीजेस, देन करंट डिक्रीजेस, दोनों जगह डिक्रीज है, एक जगह इंक्रीज है एक जगह डिक्रीज। बराबर। अब देखो क्या होगा, यहां पर इसको आपको पी ले लेना है, इसको आपको क्यू ले लेना है, ठीक है, इफ पी देन क्यू, ठीक है, इस तरह से है, बहुत सिंपल सा है। अब आपको इफ पी देन क्यू के हिसाब से कन्वर्स, इनवर्स और कॉन्ट्रापोजिशन की निकाल लेना है। तो दोस्तों इस तरह से ये हमारी एक्सरसाइज है, सॉरी मैं इसको कल नहीं करवा पाया, और क्या हो रहा है कि टाइम जितना मिल पा रहा है, मतलब मेरे पास टाइम है, टाइम नहीं ऐसा नहीं है, टाइम है पर जगह नहीं है, क्योंकि इसी जगह में इसी रूम में हमारा फिजिक्स भी रिकॉर्ड हो रहा है, केमिस्ट्री भी रिकॉर्ड हो रहा है, मेरा भी रिकॉर्ड हो रहा है, और इन सब चीज़ों के लिए ना बहुत अच्छा मूड लगता है ना, ऐसा नहीं होता कि उठ गए सीधे पढ़ा दिए, ऐसा नहीं होता, एंड इट इज़ नॉट अ क्लास रूम। तो यहाँ पर आपको मॉर्निंग टाइम में आप फ्रेश होते हैं, मेरा सारा रिकॉर्डिंग मॉर्निंग में होता है, और अब दोपहर में, आज मैं दोपहर में कर रहा हूँ क्योंकि टाइम ही नहीं मिला, सुबह से टाइम नहीं मिला, तो ये वीडियो आपको रात में मिलता है कि सुबह मिलता है, आई डोंट नो, पर जैसे भी मिलेगा, क्योंकि प्रोसेस भी होने के लिए जो लैपटॉप है वो दो लैपटॉप है लेकिन एक ही चलेगा, क्योंकि एक में तो ऑनलाइन, एक में लाइव रहूंगा तो उसमें प्रोसेस नहीं होता जिसमें मैं लाइव हूँ, और एक जो है दूसरे में उसमें प्रोसेस होते रहता है, तो दो लैपटॉप है लेकिन फिर भी काम स्लो होता है, प्रोसेस एक ही में होता है, और इसके अंदर प्रोसेस आज रात के 10 बजे लगेगा दूसरे वाले में, क्योंकि मेरा जब तक मैं लाइव होता हूँ उस समय हम प्रोसेसिंग नहीं कर पाते, क्योंकि उससे फिर क्या होता है स्पीड बहुत कम हो जाती है, उस पर लोड पड़ता है मशीन पर, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं जो देखना पड़ती है, बाकी कुछ नहीं। हाँ, आपके लिए वीडियो अपलोड कर रहे हैं, मैं जानता हूँ आप लोग बहुत जल्दी कर रहे हैं, लेकिन हाँ कोशिश पूरी है मेरी कि मैं आपको जल्दी जल्दी वीडियो दूँ। ओके दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, देखते रहे पवन एकेडमी, धन्यवाद।